भोजन समाज की सारी अपडेट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करो भारत दस्तक को, और दोस्तों दबाओ ये नोटिफिकेशन बेल हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो कैसी है मेरी भोजन आर्मी में, भोजन बॉय सुमित आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस फ्रेश वीडियो में। तो क्या चल रहा है सोशल मीडिया में भोजन समाज के लिए, तो पूरा वीडियो आखिर तक देखिए। सबसे पहले अपडेट निकल कर आ रही है आजाद समाज पार्टी को लेकर, ये एक खबर पढ़िए। आजाद समाज पार्टी के कार्यालय का विरोध किया सोसाइटी के लोगों ने। मतलब कि भाई आपको जैसा कि पता होगा, आजाद समाज पार्टी ने दिल्ली के अंदर पैरामाउंट कॉलोनी के गेट के सामने एक कार्यालय खोला है, जिसका अब पैरामाउंट कॉलोनी के जो लोग हैं वो विरोध करना शुरू कर दिए हैं। जो पैरामाउंट कॉलोनी वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष है उनका नाम है सुनील सूरी जी, और कोषा अध्यक्ष है मुकेश शर्मा। इन्होंने डीएम को एक ज्ञापन सौंपा है कि हमारे कॉलोनी के गेट के सामने से ये कार्यालय हटाया जाए। इससे इस कार्यालय से हमारे रहवासियों को, हमारे सोसाइटी के लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। तो ये खबर निकल कर आई थी, इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट करो। भाई टीना डाबी का नाम तो आप सभी लोगों ने सुना होगा, जो कि अभी वर्तमान में IAS है और क्या बोलते हैं बहुत बड़ी अधिकारी बन चुकी है एक जिले की। और आपको पता भी होगा वो दलित समाज से थी और उन्होंने क्या बोलते टॉप किया था UPSC के अंदर। तो गाइस वो बहुत फेमस हुई थी, लेकिन अब उनका विरोध होना भी शुरू हो गया है। क्यों? अभी आपको जैसा कि मैंने बताया कि वो एक जिले की बहुत बड़ी अधिकारी बना दिया गया है उनको। तो भाई वो जब अपने ऑफिस जाती है, बाहर लिखा हुआ है टीना डाबी, और जब अपने ऑफिस का उद्घाटन करती है तो वहां पे कर्मकांड करवाती है पंडित के द्वारा। तो पहले ये वीडियो देखो। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वर्षर्वाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। मङ्गलं भगवान् मङ्गलं पुण्डिकाक्ष मङ्गलाय जराघं यत्पूरितं मयादि परिपूर्णदासः ॐ ऑफिस नाम गन्धनाथ। तो भाई इसी वीडियो के कारण टीना डाबी का भोजन समाज के लोग विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है साफ साफ कि इसके पूरे परिवार ने, माँ बाप सब ने आरक्षण खा खा कर नौकरियां हासिल करी, फिर ये अच्छी शिक्षा हासिल करी इसने टीना डाबी ने, और बाबा साहब के कारण ये यहाँ तक पहुंची, लेकिन आज बाबा साहब को ही भूल गई है। कई लोगों का कहना है कि बहुत से लोगों ने इसका इंटरव्यू देखा है जिसमें गांधीवादी होने की बात करती है, गांधी की बात करती है, मोदी की बात करती है, लेकिन कभी बाबा साहब की बात नहीं करती। ये भी इसके ऊपर इल्जाम लगाया गया है टीना डाबी के ऊपर। तो गाइज इस वीडियो को देखने बाद आपका क्या रिएक्शन है, जो भी पहला रिएक्शन है नीचे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर दो। तो गाइस पिछली दो वीडियो से मैं आपको बता रहा हूं कि नेशनल दस्तक ने नया ऐप लॉन्च करा है जिसका नाम है भोजन स्टोरीज, और ये प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस अब नेशनल दस्तक के चीफ एडिटर शंभू कुमार जी ने इस ऐप के बारे में बताया है कि इस ऐप के गुण क्या है, क्या मिलेगा आपको इस ऐप में, और क्या आप पाओगे इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद। जानना चाहते हो तो ये वीडियो देखो। तो चाहे वो तिलका मांझी हो, चाहे वो सावित्री बाई फुले हो, चाहे वो फातिमा शेख हो, तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी सिख समाज, चाहे वो गुरु नानक साहब हो, इन तमाम लोग की कहानी, सच्चाई कहानी नहीं हकीकत जानना चाहते हैं। कैसे एक बार हरिद्वार में गुरु नानक साहब जब मनुवादी लोग सूर्य को पानी और जल दे रहे थे, तो गुरु नानक साहब ने कहा कि गुरु नानक साहब ने उल्टा दिशा में पंजाब की तरफ पानी फेंकने लगे, तो उस समय ब्राह्मणों ने कहा कि गुरु नानक आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं पंजाब खेतों में पानी दे रहा हूँ। तो ब्राह्मणों ने कहा कि आप पागल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा, जब सूर्य को लाखों मील दूर है वहाँ जा सकता है पानी, तो 1000 किलोमीटर दूर पंजाब की गेहूँ के खेत में पानी नहीं जा सकता। ऐसी तमाम कहानियाँ, किस तरह से बाबा साहब भीमा कोरेगांव की कहानी हो। गाइस पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक है। इस वीडियो में क्या बोलते शंभू कुमार जी ने बताया है कि इस ऐप के अंदर आपको बहुजन समाज के जितने भी महापुरुष हुए जिनको लगातार सवर्णों के द्वारा नेगलेक्ट किया गया, अनदेखा किया गया, उनकी सारी कहानियां ऑडियो मिलेंगे। बहुजन समाज के जितने भी राजनेता हुए, काशीराम साहब, मायावती जी का संघर्ष आपको इस ऐप के अंदर मिलेगा। आपको इस ऐप के अंदर बहुजन समाज के जितने भी लड़ाकू हुए, उद्धम सिंह, झलकारी बाई, बिरसा मुंडा जी, सबकी कहानियां और ऑडियो मिलेंगे। इन सबको क्या बोलते सुवर्णों ने नेगलेट यानी कि मतलब अनदेखा कराता हमेशा, लेकिन अब आपके पास क्या बोलते यंत्र भी है और तंत्र भी है। तो भाई जाकर प्ले स्टोर पर
डाउनलोड कर लो भोजन स्टोरीज ऐप। अगर आपको तो वहाँ पे भी ज़्यादा तकलीफ लग रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में भोजन स्टोरीज के सामने लिंक होगा कमेंट बॉक्स में, उसे क्लिक करके आप डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाओगे और डाउनलोड कर लो। दोस्तों अगली स्टोरी निकल कर आ रही नवीन कुमार जी को लेकर, जो कि एक बहुत शानदार वक्ता और क्या बोलते एक जर्नलिस्ट है। उन्होंने एक वीडियो में बताया है कि भारत का जो भांड मीडिया है, मनस्ट्रीम मीडिया है, वो किस प्रकार से दोगलाई करता है। जैसे कि अब मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बता दूँ, मायावती जी की सरकार रहेगी, लालू जी की सरकार रहेगी, मुलायम जी की सरकार रहेगी, तो अगर वहाँ पे कोई भी कांड होता है, कोई भी हत्या होती है, तो उनको वहाँ पर जंगल राज दिखाई देता है। लेकिन अभी यूपी के अंदर इतना बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है, लेकिन देश की भांड मीडिया को वहां पर जंगल राज दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये वीडियो देखो। कुछ भी हो जाए लेकिन भारतीय मीडिया की जातिवादी व्यवस्था योगी राज को गुंडा राज या जंगल राज कहने की इजाजत ही नहीं देती। जंगल राज तभी आता है जब कोई लालू यादव मुख्यमंत्री होता है, जंगल राज तभी आता है जब कोई मायावती मुख्यमंत्री होती हैं, जंगल राज तभी आता है जब कोई मुलायम या अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते हैं। पूरा का पूरा थाना कानपुर में हत्यारे की लंगोट सुखा रहा था, लेकिन जंगल राज आया क्या? बागपत की जेल में घुसकर मुन्ना बजरंगी को मार डाला गया, लेकिन जंगल राज आया क्या? फुल वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका लिंक है और जाके जरूर देखिएगा। नवीन कुमार जी ने बताया है कि सरकारें आती जाती रहती है, लेकिन ये जो भांड मीडिया है अब आरएसएस और बीजेपी की दलाली करना शुरू कर दिया है। मतलब बहुजनों की सरकार रहेगी तो वहां पर इनको जंगल राज, चोर लोग, टोटी चोर, चारा चोर, मायावती जी को लेकर ये घपलेबाज ऐसा बोलेंगे, लेकिन योगी जी की सरकार में तो वहां पर मर्डर भी हो जाएंगे, हत्याएं भी हो जाएंगी, पुलिस वालों को मार भी दिया जाएगा, तो मजाल है इनके मुंह से कुछ चू भी निकल जाए ये वहां पर जंगल राज बोल दे तो क्या कहूंगे इस भांड मीडिया के बारे में। मैं तो भांड बोलता हूँ, आप क्या बोलते हो नीचे कमेंट करो। दोस्तों अगली स्टोरी निकल कर आ रही है आरडी भारती जी को लेकर बिहारी सुल्तान चैनल से। बिहारी सुल्तान के आरडी भारती जी ने बताया है कि मायावती जी 2022 में मुख्यमंत्री बन सकती है, और इन्होंने भी एक ही लॉजिक दिया है जो बाकी पिछले यूट्यूबर दे रहे थे कि जिस प्रकार से योगी जी ठाकुरवाद को बढ़ावा दे रहे हैं यूपी में, अब ब्राह्मण उनसे नाराज हो गए हैं, तो ब्राह्मण 2007 की तरह मायावती जी को 2022 में भी वोट करेंगे, इनका भी यही लॉजिक है। तो इनका वीडियो देखो। वाकई बहन मायावती जी 2022 में मुख्यमंत्री बनने वाली है। जब जब उत्तर प्रदेश की जनता सरकार से नफरत करती है, सरकार को उखाड़ फेंकती है। पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण की आबादी 2 करोड़ है और ब्राह्मण समाज निशाने पे है। ब्राह्मण समाज अब यह सोच बैठा है कि जो वर्तमान में योगी सरकार है, ये ठाकुरवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, ब्राह्मणवाद खत्म है। और जब जब ब्राह्मण समाज और एससी एसटी एक साथ आते हैं तो उत्तर प्रदेश की सिंहासन कुछ और होती है। फुल वीडियो देखना चाहते हो तो इसका कमेंट बॉक्स में लिंक है। आरडी भारती जी का ये भी कहना है कि अगर मान लो 2022 का चुनाव बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज के दम पर लड़ ले, तो लेकिन बहुजन समाज की कई सारी पार्टियां यूपी में चुनाव लड़ेगी, जैसे कि काशीराम बहुजन समाज पार्टी जो कि सावित्रीबाई फुले जी की है, आजाद समाज पार्टी, और भी बहुजनों की बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ेगी, जिससे क्या होगा अंबेडकरवादी वोट या फिर बोले तो अपन बहुजन समाज का वोट बढ़ जाएगा। अगर ऐसा होता है तो बीएसपी सरकार नहीं बना पाएगी, लेकिन भाई ब्राह्मणों का वोट सारा बीएसपी को मिल जाए तो पक्के में बीएसपी सरकार बना लेगी 2007 की तरह, ऐसा कहना है आरडी भारती जी का। तो भाई अब इस बारे में आप क्या बोलना चाहते हो, क्या आपको सच में लगता है ब्राह्मण या बोले तो स्वर्ण बीएसपी को वोट भी देंगे, आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट करो। दोस्तों अगली बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है और अपडेट में आपको पता चलेगा कि चुनाव आयोग और बीजेपी का गठबंधन है। हाँ भाई, इलेक्शन कमीशन और बीजेपी का गठबंधन। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए थे जिसमें एक पत्रकार है सतीश गोखले, उन्होंने एक ट्वीट करा है कि चुनाव प्रचार मतलब चुनाव आयोग का जिस कंपनी ने प्रचार करा था, अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि चुनाव आयोग है उसका प्रचार जैसे कि होता है ना कि वोट दो वोट आपका अधिकार है, ये कैंपेन चलता है, तो चुनाव आयोग ये सब कुछ कराता है, ये प्रचार पता है आपको किस कंपनी ने करा था? ये वही कंपनी है जो बीजेपी का आईटी सेल संभालती है, जिस कंपनी का प्रचार क्या बोलते हैं चुनाव आयोग करवाता है अपने ब्रांडिंग के लिए, ये वही कंपनी रहती है जिसका आईटी सेल रहता है बीजेपी का, एक ही मालिक। तो ये वीडियो देखो। गोखले ने ट्वीट किया, यह बहुत आश्चर्यजनक है
कि बीजेपी की आईटी सेल से संबंध रखने वाले व्यक्ति को चुनाव आयोग ने अपने सोशल मीडिया का काम दिया। एक ऐसे शख्स को जो उस समय महाराष्ट्र चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मीडिया संभाल रहा था, उन्होंने ट्वीट कर पूछा, आखिर क्यों एक व्यक्ति को महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय का सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल करने के लिए दिया जाता है जो बीजेपी आईटी सेल का सदस्य था। सोशल सेंट्रल ने भी अपनी वेबसाइट पर अपने क्लाइंट्स की लिस्ट में महाराष्ट्र चुनाव आयोग और महाराष्ट्र शासन लिखा है। द वे फियरलेस इंडियन नाम से एक वेबसाइट भी चलाते हैं। इसके अलावा द वे ने फेसबुक पर आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी पेज भी बना रखा है। पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो इसका कमेंट बॉक्स में लिंक है। इस वीडियो में बताया गया है सारे सबूतों के साथ कि किस प्रकार से एक ही कंपनी चुनाव आयोग का भी प्रचार करती है और वही कंपनी बीजेपी का आईटी सेल भी संभालती है। दोनों का मालिक एक रहता है, दोनों के हेड एक रहते हैं और दोनों का संचालक भी एक ही रहता है। तो मतलब भाई बहुत बड़ा घपला किया जा रहा है इस देश में और किसी को पता नहीं चल रहा है। मतलब भाई मतलब खुद ही सोचो चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है और कितनी ईमानदारी से काम कर रहा है, उसी कंपनी का साथ ले रहा है जो बीजेपी के साथ काम कर रही है। तो मतलब भाई मैं समझ चुका हूँ ये पूरा खेल जो ईवीएम का सेट किया जाता है ना, इसको टेम्परेट किया जाता है, इसको हैक किया जाता है, तो ये भी होता ही होगा। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? नीचे कमेंट करिए आपकी जो भी राय है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि चुनाव आयोग और बीजेपी वालों का गठबंधन है और हम साथ साथ वाली कहानी है यहाँ पर सब। तो आप क्या कहोगे नीचे कमेंट करो यार भाई जल्दी से। आज की वीडियो में इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है और ऐसी रोजाना अपडेट देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल दबा दे, आने वाली वीडियो की हर लेटेस्ट अपडेट आपके मोबाइल के ऊपर आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय।